नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने घर में काफ़ी अच्छे से प्यार से भाई बहन आपस में मिलके रक्षाबंधन मनाइएगा। ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अच्छा और एक भाई बहन के प्यार का संबंध का रिश्ता होता है और ये दर्शाता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना महत्व और सारे रिश्तों से कितना ऊपर उठ के ये रिश्ता होता है। और आज भी रक्षाबंधन कई लाखों वर्षों से और आज भी उतने ही उत्साह के साथ ये रक्षाबंधन बनाया जाता है और इससे एक नई ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और आज भी हमें ये दिखता है कि हाँ, भाई बहन का रिश्ता सारे रिश्तों से ऊपर उठता है और बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के यह रिश्ता निरंतर सालों साल ऐसे ही यह त्यौहार खुशी और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। और एक बार हम फिर से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। आप किसी भी देश से, किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले से, किसी भी गांव से हों, आप सब लोग अपने घर में खुशी से सब लोग इकट्ठे होके मिलजुल के रक्षाबंधन को मनाइएगा। और देखिए, रक्षाबंधन में होता क्या है कि वैसे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो रक्षाबंधन में एक प्रकार से रक्षाबंधन के माध्यम से पूरा परिवार एक जगह एकत्रित होता है और भाई बहन एक जगह एकत्रित होकर आपस में बातें करते हैं, खुशियां मनाते हैं, राखी बांधती हैं बहनें भाइयों को और भाई मिठाई खिलाते हैं और उन्हें गिफ्ट में कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये सब एक त्यौहार इसीलिए मनाए जाते हैं जिससे आपस में प्यार भाईचारा बना रहे और एक परिवार की जो एक यूनिटी होती है और एक जो रिश्ते की यूनिटी होती है उसको निरंतर ऐसे ही चलने दिया जाए, उस पर किसी का जरा सी भी दूर या बैरी ना हो। और अगर हो भी जाए तो रक्षाबंधन वाले त्यौहार पे सब लोग सारे अपनी मन मुटाव सबको दूर करके एक इकट्ठे होकर फिर से एक नए रिश्ते के साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व अब से नहीं, हिंदू रीति रिवाजों में कई लाखों वर्ष सालों से निरंतर ऐसे ही खुशी और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है और आगे भी खुशी और उल्लास के साथ में मनाया जा रहेगा, क्योंकि ये एक पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण साबित होता है कि रक्षाबंधन में भाई बहन का त्यौहार होता है। जैसे हर त्यौहार सबके अलग अलग त्यौहार होते हैं, वैसे भाई बहन का सबसे प्यारा संबंध का और स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन होता है। तो रक्षाबंधन पे भाई भी या बहन भी कितनी भी दूर हो, चाहे शादी हो चुकी हो बहनों की या भाई कहीं भी बाहर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वो आते हैं और खुशी खुशी अपनी बहन के लिए त्यौहार लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं जिसका बहनें इंतज़ार भी काफ़ी मन से करती हैं और भाई भी राखी का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी बहन हमारी कलाई पे राखी बांधेगी। ये एक अनमोल, जैसे कहते हैं, एक अनमोल स्नेह का, एक अनमोल फीलिंग्स का रिश्ता है जिसे शायद सहज के हर आदमी रखना चाहता है, जिसे शायद शब्दों में बयान करना बहुत ही ज़्यादा कठिन या कह सकते हैं कि अत्यंत ही ज़्यादा कठिन या असंभव है, क्योंकि ये रिश्ता ही सारे रिश्तों से ऊपर उठ के होता है। क्योंकि इस रिश्ते में किसी प्रकार का मोह माया लालच कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक स्नेह का, एक प्यार का, एक निरंतर जो लाखों वर्ष चला आ रहा है विश्वास का, उसका ये एक अनमोल रिश्ता होता है जिसका नाम रक्षाबंधन है। आप एक त्यौहार के नाम में ही देख लीजिए, रक्षा मतलब भाई अपने बहन की रक्षा करने का कर्तव्य लेते हैं और बंधन मतलब बांधने, मतलब रक्षा करके बंधन में बांधने का ये अनमोल त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग भी खुशी खुशी इस त्यौहार को बनाएं और कोई भी अगर मन मुटाव या मतभेद हो तो इस रक्षाबंधन में हर एक मन मुटाव और मतभेद को दूर करिए और एक अच्छे से और प्यार से और सब लोग मिलजुल के रक्षाबंधन को बनाइए। मैं आयुष पाठक और हमारा पूरा चैनल और हमारी पूरी टीम सारी बहनों को इस भाई की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ देती है और बधाई देती है कि ऐसे ही आप निरंतर हर साल इतने ही स्नेह के साथ हर साल राखी बांधती रहें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और 15 अगस्त आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।